चौकी कनेरा पुलिस ने अवैध गांजा सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यूज जतारा चैनल से मनीष दुबे, सागर सोनी की रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर श्री ललित शाकेवार, पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री रोहित कशवानी द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में चौकी प्रभारी कनेरा उप निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह घोष को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विक्रय हेतु अवैध गांजे का परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जतारा श्री अभिषेक गौतम एवं थाना प्रभारी बमोरी कला उप निरीक्षक श्रीमती रश्मि जैन के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कनेरा उप निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह घोष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा मौरानीपुर जतारा मार्ग पर हनुमान जी के मंदिर के पास ग्राम बरियन में मुखबिर के बताए अनुसार मोटरसाइकिल से आ रहे व्यक्ति को रोककर चेक किया, जिसने अपना नाम हरिश्चंद्र पटेल, पिता नाथुराम पटेल, निवासी ग्राम कंजना थाना बम्होरी कला का होना बताया। उक्त व्यक्ति के कब्जे से सीमेंट की बोरी में थैलियों में रखे गांजा बजनी 1.470 किलोग्राम कीमती लगभग 24,000 रुपए का जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 08(20)(D)(P)(S) एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी कनेरा उप निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह घोष, सहायक उप निरीक्षक अवध राज सिंह, प्रधान आरक्षक नरेंद्र राजपूत, प्रधान आरक्षक मुकेश कुशवाहा, प्रधान आरक्षक मुईन खान, आरक्षक अभिनेश यादव, आरक्षक नागेंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।